बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके स्टूडेंट्स, आज जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में कहा था कि इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा हॉलीवुड में यूज़ होने वाले VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज बेसिकली हमने जो जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं इस ट्यूटोरियल में, वो मैंने यहाँ पे नोट पैड में लिख दिए हैं। जैसे लाइक जैसे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि विजुअल इफेक्ट्स यानी जिसे हम VFX कहते हैं वो क्या चीज़ है। उसके बाद एक 3D Max के अंदर अगर मैं फाइल को लेके आना हो तो उसके अंदर एक मर्ज फाइल और इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। और अगर आपने कोई भी फ्री 3D Studio Max के अंदर कोई 3D मॉडल वगैरह ला के रखना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको बना सकें, तो ये एक वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली बड़े हैवी किस्म के 3D मॉडल्स आपको प्रोवाइड कर देती है। इसके अंदर कुछ यानी पेड मॉडल्स भी मिलेंगे आपको और फ्री मॉडल ज्यादा ही मिलेंगे, तो आप इसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। इसका नाम है www.free3d.com, ठीक है। और उसके बाद हम एक सिंपल सी एक वॉल क्रिएट करेंगे और अरे की ऑप्शन की मदद से, जो जिन्होंने ऑटो कैड वगैरह किया है तो आई थिंक उनको पता होगा कि अरे का ऑप्शन क्या होता है। उसके बाद 3D Studio Max के अपने डायनेमिक्स क्या होते हैं। ओके जी, अच्छा इस ट्यूटोरियल को अंदर मैं एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पे बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि अगर हमें खुद कोई इफेक्ट वगैरह तैयार करना हो तो कैसे तैयार किया जा सकता है। वैसे हॉलीवुड वाले और इवन जो बॉलीवुड वाले और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स यूज किए जाते हैं। प्लगइन्स असल में होते हैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं होते, उनको दूसरी कंपनीज वगैरह बनाती हैं और फिर उन सॉफ्टवेयर्स के लिए बनाती हैं। जैसे 3D Studio Max में हम एक और प्लगइन यूज करेंगे, रे फायर, टाइफ्लो और बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स वगैरह इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ ये है कि क्या हम 3D Studio Max में विदाउट एनी प्लगइन कोई चीज खुद से बना सकते हैं या नहीं, इसका मेन मकसद ये है इस ट्यूटोरियल का, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारे जैसे टॉपिक है विजुअल इफेक्ट्स। तो विजुअल इफेक्ट्स को सही तरह से अगर समझना हो तो उसके लिए कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। इन वीडियोस को हम देख लेते हैं पहले और उसके बाद इंशाल्लाह अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक मूवी आई थी मैन ऑफ स्टील, और इसके अंदर बेसिकली सुपरमैन का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक विलन से लड़ता है, और ये बेसिकली हमारा सुपरमैन का कैरेक्टर था। और ये सारा बेसिकली बैक साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये सारा VFX का काम है, इसमें कोई भी चीज रियल नहीं है। वो मूवी आई थी फास्ट एंड द फ्यूरियस, उसमें बेसिकली एक रॉबरी का सीन है जिसके अंदर और जो कैरेक्टर्स हैं जैसे लाइक जैसे रॉक भी आया था, तो ये बेसिकली विन डीजल के साथ मिलकर जो है एक जो रॉबरी होती है उसको परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे जो स्टडी करेंगे, हमारा जो मेन स्टडी का मकसद भी यही है कि जस्ट लाइक एक गाड़ी से वॉल कैसे बेसिकली कोलैप्स हो सकती है, ये सारा बेसिकली VFX का काम हो सकता है और ओरिजिनल वॉल भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो ट्यूटोरियल होगा वो इसी बेस के ऊपर होगा। और एक और मूवी आई थी एक्समैन, इसके अंदर तो बहुत अच्छा बेसिकली इसका रिजल्ट दिखाया गया है। जस्ट लाइक एक जैगनरॉट का एक हमारे पास कैरेक्टर है और ये भागता भागता बेसिकली दीवारों को तोड़ता रहता है। अब जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल लाइफ में तो ऐसा कोई होगा नहीं जो अपना सर फोड़वाएगा, तो अब ये बेसिकली हमारा मेन काम होगा। ये देखें जिस तरह से ये दीवारों को डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा है। ओके, एंड लास्ट में इसका ये सीन आया था जो कि काफी अच्छा था, और आई होप कि मतलब ये काफी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह हम बेसिकली अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर एक वॉल को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें अपने सीन के अंदर एक जीप को लेके आएंगे और उसके अंदर फिर उस जीप के जरिए उस वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं अब डायरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे पास पहला पॉइंट हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा मर्ज फाइल और इंपोर्ट फाइल का। देखिए मेरे पास अभी डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर में फाइलें रखी हुई हैं कुछ,
तो ये मेरी वो फाइल है, जस्ट लाइक जो मैंने ट्यूटोरियल के अंदर जो मैं जीप का जो मॉडल वो इस्तेमाल करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी जो वेबसाइट आपको भी बताई है तो वहां से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन फाइल मौजूद है, एक जीप 3D के नाम से है, एक जीप डॉट FBX है और जीप डॉट OBJ है। अच्छा, ये हमारी 3D Studio Max की फाइल है, ये FBX की फाइल है और ये OBJ की फाइल है। तो अगर हमें इनको 3D Studio Max में लेके आना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल के मेन्यू में जाकर आप यहाँ पे सिंपल प्रेस करेंगे इम्पोर्ट। तो जैसे आप इम्पोर्ट करेंगे और डेस्कटॉप पे वो फाइल मेरी मौजूद है, मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इम्पोर्ट के ऑप्शन को जब सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे 3D Studio Max की जो फाइल है वो शो नहीं कर रहा, यहाँ पे शो कर रहा है FBX और .obj। ठीक है, आप इन दोनों फाइल्स को अलग अलग यहाँ पे इम्पोर्ट करवा सकते हैं। मैं इम्पोर्ट करवा के दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें, एक एरर दे रहा है। अब कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो आपको उस वेबसाइट से नहीं, जो आप लेके आएंगे डाउनलोड करेंगे, वो यहाँ इम्पोर्ट नहीं होंगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो सारे मॉडल जो है लेटेस्ट वर्जन में बने हुए होंगे, लेकिन वो साथ ही साथ जो है कुछ और भी फॉर्मेट्स वगैरह दे देते हैं तो अक्सर वो फाइलें इम्पोर्ट हो जाती हैं। अब जैसे हमारे पास ये डॉट जीप डॉट FBX है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और सिंपल आपने यहाँ पे कर देना है ओके। तो अब ये FBX की फाइल है, ये देखें यहाँ पे लोड होना शुरू हो गई है। ठीक है, और ये आपका जीप का मॉडल जो आपने जो हमने वहां पे वेबसाइट से डाउनलोड किया था वो बेसिकली आपकी सीन के अंदर आ जाएगा। ये होता है इम्पोर्ट का तरीकेकार। मैं फाइल को दोबारा रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज करने लगा हूँ मर्ज। मर्ज से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी अगर को अपना कोई जो पूरा मॉडल है अगर मैं बना लेता हूँ, जस्ट लाइक जैसे मुझे यहाँ पे फ्लोर तो चाहिए होगा, ठीक है, अपने ट्यूटोरियल के अंदर, तो हम यहाँ पे हमने सिंपल एक फ्लोर बनाया है और कुछ भी नहीं रखा यहाँ पे। अब मैं फाइल के मेन्यू में जाकर यहाँ पे करता हूँ मर्ज। तो जैसे आप मर्ज करेंगे और दोबारा उसी फोल्डर को आप चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि वहां पे जो डॉट FBX और डॉट OBJ आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 3D Studio Max, ये डॉट मैक्स का फॉर्मेट होता है 3D Studio Max का, और यहाँ पे इसका थंबनेल भी शो करेगा। अब हम यहाँ पे सिंपल करते हैं ओपन। इस वक्त मैंने जो है जीप पे ग्रुप बना के रखा हुआ है, तो ये ग्रुप 1 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, ओके करा, और मेरा मॉडल अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली इस वक्त जो ये मॉडल आया है ये काफी हैवी है, तो मुझे यहाँ पे काम ये करना होगा कि मैं इसको दिखा भी देता हूँ F3 प्रेस करके। ये देखें, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पॉलीगॉन्स और एजेस हैं। जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो हो सकता है कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग करने लग जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक डमी मॉडल तैयार करेंगे। डमी मॉडल से मुराद ये है कि मैं सिंपल यहाँ पे लेफ्ट व्यू में जाकर एक सिंपल बॉक्स क्रिएट करने लगा हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट करा और इसके सेगमेंट्स यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको फाइनलाइज करा और मॉडिफाई पैनल में जाकर इसके लेंथ के भी और विड्थ के सेगमेंट को 2 कर देते हैं और हाइट के सेगमेंट को भी बढ़ा देते हैं, एक एक यहाँ दो दो आप यहाँ पे रख लेंगे तो आपके लिए काफी होगा। अच्छा जी, और उसके बाद हम टॉप व्यू में जाकर देखते हैं ये क्या पोजीशन दे रहे हैं। ये देखें, टॉप व्यू में हमारे पास अभी मॉडल हमारा ऐसा है, हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी जीप के बराबर ताकि जब मैं इसकी एनिमेशन करूँ तो ये इजिली बेसिकली हमारे पास काम करे। अगेन लेफ्ट व्यू में जाकर हमने इसको करा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद हम इसके फिलहाल टेम्परेरी तौर पे इसके वर्टेक्स को बढ़ा लेते हैं। मैं और ज्यादा एजेस यहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको एक्सट्रूड करवा कर भी काम कर सकता हूँ। आप भी कोशिश करिएगा ऐसे ही करें ताकि जितने कम आपके पास वर्टेसेस और पॉलीकॉन्स होंगे उतनी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन आपकी बन के आ जाएगी। मैंने सिंपल यहाँ पे इसको एनिमेट करा, अच्छा यहाँ पे मॉडल करा। अब उसके बाद मुझे इस वक्त फिलहाल इस जीप की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए मैं जब जब यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग भी कर रहा है, तो मैं अब इस जीप को हाइड करने लगा हूँ। मैं सिंपल इस जीप को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक कर कर हमारे पास आता है हाइट सिलेक्शन, और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा मॉडल बिल्कुल ईजिली काम करेगा, यानी हमारा जो व्यू पोर्ट है। ठीक है जी, ये होता है मेन वजह कि हम यहाँ पे अपने व्यू को अपने सिस्टम को भी सेफ रखने के लिए हम यहाँ पे एक डमी मॉडल तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, अब क्विकली हम यहाँ पे एक अपनी वॉल क्रिएट करने लगे हैं और इस वॉल को हम क्रिएट करेंगे अरे की मदद से,
जैसे कि मैंने पॉइंट्स में आपको बताया है, मैं फिलहाल प्लानर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अब सिंपल एक बॉक्स बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे इस वक्त यहाँ पे ये जो ग्रिड है ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रिड को ऑफ कर लेता हूँ। अगर आप जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑफ भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपना सिंपल सा एक बॉक्स। मैंने यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स क्रिएट करा और मैं इसके लेंथ, विड्थ और हाइट के सेगमेंट को 1-1 कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने देना है 1, 2 एंड अगेन, सबको डिलीट कर कर आपने कर देना है 1। ठीक है जी, ये आपका सिंपल एक ब्रिक आ जाएगा आपके पास। अब आपने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करनी है, तो अब वॉल को क्रिएट करने का तरीकेकार ये है कि हमने सिंपल इस बॉक्स को सिलेक्ट करा, टूल्स में जाकर आपने सिलेक्ट करा अरे की कमांड को, और यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह इसका एक पूरा ट्यूटोरियल जो है आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी टाइम इसमें शॉर्ट है वीडियो के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पे करता हूँ 2। ये 2 मैंने यहाँ पे करा क्योंकि ये हमारे पास जो इसकी विद आ रही है अभी 2 है, और मैं इसकी कॉपीज यहाँ पे अराउंड बना लेता हूँ 20। 20 बनाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। ये देखें, एक साथ बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएंगे। और अब उसके बाद मैं लेफ्ट व्यू में जाकर इनको सिलेक्ट करता हूँ सबको एक साथ। ये देखिए, मैंने ड्रैग करके इस तरह सिलेक्ट करा है, तो सारी की सारी जो हमारी ब्रिक्स हैं वॉल की, वो बेसिकली खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमने अगेन टोटल टूल्स में मेन्यू में जाकर अरे करना है, और एक्स की वैल्यू को कर देते हैं 1, जेड की वैल्यू को भी हम यहाँ पे कर देते हैं 1, और सिंपल आप यहाँ पे करेंगे ओके। तो अब यहाँ पे मैं आपको F4 प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपके पास सिंपल इस तरह से ब्रिक्स रेडी हो जाएंगी। एक बहुत इजी तरीके कार है अपने ब्रिक्स को रेडी करने का। F प्रेस कर कर अब जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ब्रिक्स यहाँ पे जो आ रही हैं, जैसे ये वाली ब्रिक्स हैं और ये वाली ब्रिक्स हैं, इनको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने का तरीके कार, आपने इनको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, बहुत सिंपल तरीके कार। एंड अगेन यहाँ पे भी आपने इसको सिलेक्ट करा। ध्यान रखिएगा कि आपका मेन मॉडल जो डमी का मॉडल आपने बनाया वो डिलीट ना हो। ये लीजिए, ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमारी वॉल कंप्लीट है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और डबल कर लेता हूँ ताकि जो ब्रिक का ऑप्शन है वो जरा सही से नजर आए। ओके किया, और उसके बाद जो साइड में जो ब्रिक्स आ रही हैं इनको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर कर अंदर की तरफ रख देता हूँ। आप चाहे तो इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं और वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू के साथ करना है तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। एक बिल्कुल परफेक्ट वॉल हमारे पास यहाँ पे इजीली बन के आ जाएगी।